आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे जो नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, बहुत कम लोगों को कद्दू की सब्जी पसंद होती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कद्दू में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी दूसरी सब्जी में नहीं मिलते। वैसे जहाँ एक ओर कद्दू फायदेमंद सब्जी है, वहीं इसके जो बीज हैं वो पोषक तत्वों का खजाना है। तो आप भले ही कद्दू ना खाएं, लेकिन कद्दू के बीज आपको जरूर खाने चाहिए। कद्दू के बीज स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप इन्हें नियमित डाइट का हिस्सा बनाकर इनके विस्तार से फायदे ले सकते हैं। इसमें इतने सारे फायदे होते हैं कि इनको सोने से भी ज्यादा महंगा कहा जाता है। हालांकि होते बहुत सस्ते हैं, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। तो आइए बिना टाइम जाया किए हुए विस्तार से इसके फायदे देख लेते हैं। नंबर एक, कद्दू के बीजों से भरा 1/4 कप हमारे दिन भर की मैग्नीशियम की आवश्यकता को पूरा करता है। ये दिल को स्वस्थ और सक्रिय रखने में बहुत फायदेमंद होता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और आघात से सुरक्षित रखने में मददगार साबित होता है। तो आप आज से ही 1/4 कप कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और अपने दिल को रखिए सुरक्षित और हंसता खिलता हुआ। नंबर दो, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं ये बीज। कद्दू के बीजों में पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में कारगर होता है और वायरल, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये आपके डिप्रेशन को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। नंबर तीन, प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक रखता है। सालों से कद्दू के बीजों को पुरुषों के लिए बेहतर माना जाता है। इसमें मौजूद जिंक की मात्रा प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए बहुत जरूरी अवयव होती है, इसलिए आप आगे तक अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक रखना चाहते हैं तो कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करिए। ये वैसे भी आपको हष्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से सक्षम बनाने में कामयाब नुस्खा है। नंबर चार, मधुमेह का खतरा कम करने में। शोधकर्ताओं की माने तो कद्दू के बीज इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करने का काम करते हैं। ऐसे में ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आपके मधुमेह है और आप अपने कई तरह का इलाज करके थक चुके हैं, तो आज ये इलाज भी करके देखिए, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलने वाला है। नंबर पाँच, नींद के लिए बेहतर होते हैं कद्दू के बीज। सोने से पहले कद्दू के कुछ बीज लेना बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें तो किसी भी फल के साथ इसे ले सकते हैं। कद्दू के बीजों का सेवन करने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।